इस वीडियो में हम आज देखेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भोजन का प्रमुख अंग है, तो भोजन का वो कौन सा अंग है जो प्रमुख है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो वो कौन सा पदार्थ है जो मानव के शरीर में ईंधन का काम करता है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, कार्बोहाइड्रेट। तीसरा जो क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च से बना होता है, तो आंसर डी, स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर चार, शहद का मुख्यता होता है, तो शहद का जो मुख्यता होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, आंसर बी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा जो प्रदान करता है वो है कार्बोहाइड्रेट, आंसर ए, कार्बोहाइड्रेट। छठा जो क्वेश्चन है, एथलीट को निम्न में से किसी से जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो एथलीट में किसी से जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो आंसर जो है इसका डी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर सात, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन जो होता है शरीर का निर्माण करने वाला होता है, तो इसका जो आंसर है ए, शरीर का निर्माण करने वाला। आठवां जो क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में कितने परसेंट जो है प्रोटीन होता है? तो 42% होता है, आंसर ए, 42%। क्वेश्चन नौ, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो आंसर सी, चावल में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर दस, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत होता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में होता है, आंसर डी, सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 11, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो किससे पाते हैं? दालों से, आंसर बी, दालों से। 12वां जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन किस दाने में पाई जाती है? तो आंसर डी, सोयाबीन के दाने में ज्यादा प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो जो रक्षात्मक पदार्थ है वो किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है, तो आंसर ए, विटामिन। 14वां जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो विटामिन ए किसमें भंडारित होता है? आंसर ए, यकृत में, लीवर में। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, आंसर सी, रतौंधी। 16वां जो क्वेश्चन है, दांतों में क्या पाया जाता है? तो दांतों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम जो है दांतों में पाया जाता है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो शैवाल होता है, आंसर ए, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? सबसे ज्यादा लोह किसमें होता है? कौन, तो सबसे ज्यादा लोहा जो प्राप्त होता है मनुष्य को वो पालक से होता है, आंसर बी, पालक से। क्वेश्चन नंबर 19, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो किसमें जो है सबसे ज्यादा लौह तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व जैसा कि हरी सब्जियों में पाया जाता है, तो आंसर सी, हरी सब्जियां। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। 20वां जो क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लोहे की तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, तो शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो है रक्तहीनता, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21, पीलिया एक प्रतीक है, तो पीलिया जिसको इंग्लिश में जॉन्डिस भी बोला जाता है, ये किसका प्रतीक है? ये यकृत की बीमारी का प्रतीक है, जो कि लीवर। क्वेश्चन नंबर 22, किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग होता है? तो किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग होता है? जैसे कि आयोडीन की कमी के कारण जो है घेगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, तो पीलिया से दुष्प्रभावित क्या होता है? तो वो होता है यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 24, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होता है वो घेगा रोग होता है।
क्वेश्चन नंबर 25, काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है बी, ब्लैक को। क्वेश्चन नंबर 26, रेबीज क्या है? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आंसर बी, विषाणु जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 27, प्लेग किससे फैलता है? जो प्लेग है वो किससे फैलता है? तो आंसर ए, जीवाणु से। ये भी जो क्वेश्चन है एसएससी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जो जीका वायरस है वो मानव के शरीर को ग्रसित, किस कौन से शरीर को भाग को ग्रसित करता है? तो आंसर जो है डी, दिमाग को। ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो किसके द्वारा संचालित होता है? मच्छर के द्वारा। आंसर बी, मच्छर। क्वेश्चन नंबर 30, इबोला सबसे आप क्या समझते हैं? इबोला सबसे आप क्या समझते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है ए, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। आंसर ए।